हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी काफ़ी पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चों को लाते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई में पीछे है, पढ़ाई में कमज़ोर है, और फिर वो बच्चे के बहुत पीछे लगेंगे, ट्यूशन लगाएंगे, मारपीट करेंगे पढ़ाई नहीं करता करके, और फिर हमारे पास में आते हैं कि मंदबुद्धि का है। क्या देखो, जब हम देखते हैं तो उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, मंदबुद्धि का नहीं रहता। अच्छा, उसके एज के हिसाब से, मतलब उम्र के हिसाब से वो ठीक लगता है कि बाकी डेवलपमेंट बराबर है, और बुद्धिमत्ता उसकी ठीक है, एज के हिसाब से है, उसकी समझ जो है बराबर है, वो समझता ठीक ठीक से है मतलब, मगर ऐसा होने के बावजूद भी वो पढ़ाई में कमजोर है या पढ़ता नहीं है, तो उसके लिए फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ता है कि उसको पढ़ाई मतलब पढ़ना, रीडिंग जो है, पढ़ना वो उसका स्लो है, या उसको पढ़ना आता नहीं। मतलब एक तो उसकी गति जो है पढ़ने की वो बहुत स्लो है, स्पीड कम है, या फिर वो पढ़ नहीं सकता। होता क्या है कि बच्चे की बुद्धि अच्छी रही तो वो क्या करता है कि मेमोराइज कर लेता है, उसको याददाश्त मतलब उसमें रखता है, याद में रखता है पूरा, और वो जब छोटा रहता है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में तो वो उसका कॉम्पेंसेट कर लेता है। मगर जैसे बड़ा हो जाता है तो फिर वो पढ़ना पड़ता है, और जब पढ़ना उसको आता नहीं है तो उसको स्पेसिफिकली रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर मतलब पढ़ना नहीं आना, या जो पढ़ता है वो समझता नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है, उसको स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड लेटर समझ में नहीं आते, या पढ़ने में या लिखने में वो कुछ तो भी शब्द जो है वो उसको ओमिट कर देगा, डिलीट कर देगा, और फिर उसका अर्थ कुछ तो भी अनर्थ हो जाएगा, और फिर वो पढ़ाई में पीछे रहता है। इसका कारण जो है, वो कारण देखने के बाद मालूम पड़ता है कि भाई उसको कोई माँ बाप के पेट से मतलब लाइक जेनेटिक कारण है क्या, और जेनेटिक इसका मतलब ऐसा है कि अनुवंशिकता है क्या, तो कुछ लोगों में ऐसा दिखा कि अनुवंशिकता से भी दिखाई देता है, कुछ बच्चों में ऐसा दिखा कि माँ की गर्भावस्था की जो उसकी कंडीशन प्रेगनेंसी रहती है, तो उसमें उसको माँ को कोई बीमारी हो गई, या माँ को कुछ मार लग गया, या ऐसी कुछ तो बीमारी हो गई कि जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बराबर हुई नहीं, या फिर डिलीवरी होने के समय, प्रसूति होने के समय बच्चे को ऑक्सीजन बराबर नहीं मिला, हाइपोक्सिया हो गया और उसमें थोड़ा ब्रेन कमजोर हो गया, ऐसा कुछ तो भी उसमें दिखाई देता है। ये बच्चे कॉपी कर सकते हैं, मतलब उनको समझो लिखने के लिए कुछ दिया और उनको बोला देख देख के लिखो, तो वो देख देख के लिख सकते हैं, उसमें भी गलतियां करेंगे, मगर देख देख से देख देख के लिख सकते हैं, मगर वो ऐसा उनको बोला कि आप पढ़ो और पढ़ के लिखो तो नहीं लिख सकते। उसमें होता क्या है कि रोज के पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आती है, पढ़ना उसका कमजोर हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, और फिर उसमें पढ़ाई में वो पीछे पीछे रह के फेल हो जाता है बार बार, और फिर उनको लगता है कि नहीं मंद बुद्धि का है ये, हालांकि इनकी बुद्धि अच्छी रहती है। इनको काउंसलिंग की जरूरत है, स्पेशल टीचिंग, स्पेशल लर्निंग उनको देना चाहिए, मतलब स्पेशल टीचिंग, स्पेशल उनका लर्निंग होना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स में उनको डालना चाहिए, और उनको लर्निंग डिसऑर्डर है, LD, लर्निंग डिसऑर्डर, इसके वजह से उनको एग्जाम में भी उनको ज़्यादा टाइम मिल सकता है, और उनका सर्टिफिकेट यदि हम देते हैं उनको तो उससे उनको एग्जाम में भी स्पेशल व्यवस्था उनकी हो सकती है, उनको ज़्यादा टाइम मिल सकता है, और उनको स्पेशल कंसेशन दे के टाइम का वो अच्छा कर सकते। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को शेयर करो, ताकि वो काउंसलिंग उनका खुद का करके बच्चे को डिप्रेशन में ना डाले, और बच्चे को ना मारपीट करे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई इससे अच्छी हो सकती है, और स्पेशल एजुकेशन हम देते हैं तो बच्चा आगे बहुत अच्छा बढ़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।